हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ खो खो खेल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों के हिस्ट्री के बारे में बता चुकी हूँ, एंड आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एंड दोस्तों, एनाटॉमी के बहुत से टॉपिक्स एंड समस्त मसल्स के बारे में, किसी भी मसल्स के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। एंड किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सभी टॉपिक मैंने, चाहे उत्तोलक हो, संतुलन हो, आपके न्यूटन के गति नियम हो, ज्वाइंट्स हो, ज्वाइंट्स मूवमेंट हो, सभी टॉपिक वहाँ पे क्लियर हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एंड मनोविज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत के सभी टॉपिक्स क्लियर हैं। एंड खेलों के मेजरमेंट्स, एंड दोस्तों इन सब वीडियो को आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एकदम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समस्त वीडियो है। आप यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आप सभी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, कंटिन्यू बन सकते हैं, क्योंकि मैं आगे आने वाले सभी वीडियो में अपने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी वीडियो होंगे। अभी तो मैं चल रही हूँ खेलों के हिस्ट्री के बारे में। इसको पूरा होने के बाद मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग, डोपिंग, आपकी जितने चोटें हैं एंड बहुत सारे डिजीज हैं, इन सब के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगी। तो बस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं खो खो के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, खो खो जैसा कि ये बहुत एजिलिटी वाला खेल है, इसमें आपकी फुर्ती की बहुत अधिक आवश्यकता होती है एंड बहुत अच्छा मनोरंजनात्मक खेल है। दोस्तों, यह महाराष्ट्र में काफी प्रसिद्ध है खो खो। इसका जन्म जो है भारत के पुणे महाराष्ट्र में शुरुआत हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खो खो का जन्म जो है भारत में हुआ। खो खो खेल का जन्मदाता जो है भारत है। कहां से शुरू हुआ, भारत के किस राज्य से, तो पुणे महाराष्ट्र से इस शुरुआत हुआ, वहां पर यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। खो खो शब्द, खो खो खेल में जो खो शब्द है, वो खो शब्द संस्कृत के शिव से लिया गया है। संस्कृत के शिव से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खड़े हो और जाओ, खड़े हो और जाओ। और इस खो खो को आधुनिक स्वरूप किसने दिया, छोटे छोटे जगहों पर तो खेला जाता था, बट आधुनिक स्वरूप किसने दिया कि समस्त लोग इसको आगे हर जगह प्रसिद्ध हुआ। तो इसको आधुनिक स्वरूप दिया बड़ौदा के हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल ने, इसको आधुनिक स्वरूप दिया। और सामान्य नियमों की व्याख्या 1914 में हुआ, मतलब इसके सामान्य नियम बने 1914 में अखिल भारतीय महाराष्ट्र, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षक मंडल और पुणे के जिमखाना क्लब द्वारा इसके नियम बनाए गए। एंड अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने 1928 में इसको विकसित करने में पूरा योगदान दिया। एंड दोस्तों, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो की एक टीम पुणे के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से प्रदर्शन करने के लिए ओलंपिक में गई। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि कबड्डी एंड खो खो दोनों प्रदर्शन खेल के रूप में खेला गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, 1960 में क्या हुआ, नई विधियां प्रयोग में आने लगी खो खो में, जैसे कि सिंगल चैन, डबल चैन, रिंग गेम्स, पोल उड़ाई आदि। इसी के साथ 1978 में कर्नाटक की एक खिलाड़ी जिसका नाम था वेंकट राजू ने बैक चैन विधि का खोज किया। ठीक है, 1978 में कर्नाटक की एक खिलाड़ी वेंकट राजू ने बैक चैन विधि नाम का बैक चैन विधि निकाली। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि हॉकी में बैक चैन विधि का खोज किसने किया, तो वेंकट राजू ने किया। 1978 में कहां के थे, कर्नाटक के एक खिलाड़ी थे।
एंड इसी प्रकार आगे बढ़ता गया और 1982 में एशियाई खेलों खेल में नई दिल्ली में इस खेल को प्रदर्शन मैच के रूप में शामिल किया गया, जैसा कि 1936 में ओलंपिक में प्रदर्शन मैच के रूप में खेला था। और इसी प्रकार 1982 के जो नई दिल्ली में हमारा एशियाई गेम हुआ था नई दिल्ली में, उस खेल में एक प्रदर्शन मैच के रूप में शामिल किया गया था खो खो को, जबकि आज तक एशियाई खेलों में शामिल नहीं हुआ है, न एशियाई खेलों में शामिल है न ओलंपिक खेलों में शामिल है खो खो कबड्डी दोनों एंड क्रिकेट, ये तीनों गेम ओलंपिक में शामिल नहीं है। जैसा कि 1936 में खो खो एंड कबड्डी ओलंपिक में प्रदर्शन के रूप में खेला गया एंड खो खो 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन के रूप में नई दिल्ली में खेला गया। एंड दोस्तों 1987 में सैफ खेलों में प्रदर्शन मैच के रूप में खेला गया, 36 में ओलंपिक में प्रदर्शन के रूप में खेला गया, 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन के रूप में खेला गया दिल्ली में, एंड 1987 में सैफ खेलों में प्रदर्शन मैच के रूप में खेला गया। नेक्स्ट है AKKF यानी एशियन खो खो फेडरेशन। एशियन खो खो फेडरेशन की स्थापना 1987 में कलकत्ता में हुआ, कहाँ पे हुआ, भारत में ही हुआ। 1987 में कलकत्ता में एशियन खो खो फेडरेशन AKKF की स्थापना हुआ। एंड पहली तो 1987 में AKKF की स्थापना एशियन खो खो फेडरेशन का गठन हुआ। एंड भारत में कब हुआ, यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI की स्थापना 1960 में हुआ। दोस्तों जैसा कि कई सारे बुक्स में 1955 दिया है KKFI यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 है, लेकिन कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि पेपर्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें वो 1960 माना है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 1955 1960 KKFI की स्थापना, तो अक्सर 1960 ही सही माना जाता है। तो KKFI का मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ, वर्तमान अध्यक्ष जो है KKFI के खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सुधांशु मित्तल जी हैं। कौन है, सुधांशु मित्तल जी। एंड एशियन खो खो चैंपियनशिप का गठन कब हुआ, एशियन खो खो चैंपियनशिप 1996 में कलकत्ता में हुआ, 1996 में कलकत्ता में एशियन खो खो चैंपियनशिप का गठन हुआ। एंड इसमें 5 देशों ने भाग लिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, और दूसरी ढाका में आयोजित हुआ। 5 देशों के अलावा थाईलैंड, जापान भी इसमें भाग लिए। एंड इस प्रकार भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब हुआ, भारत की प्रथम प्रतियोगिता पुरुषों का 1960 के विजयवाड़ा में हुआ, 1960 में विजयवाड़ा में हुआ। एंड भारत की प्रथम प्रतियोगिता खो खो का महिला का 1961 कोल्हापुर में हुआ, पुरुषों का 1960 विजयवाड़ा में और महिलाओं का 1961 कोल्हापुर में। राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 1971 से आरंभ हुआ, एंड राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप कब आरंभ हुआ, 1971 में। तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता पुरुषों का 1960 विजयवाड़ा, महिलाओं का 1961 कोल्हापुर, एंड राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 1971 से आरंभ हुआ। एंड फेडरेशन कप, इसमें फेडरेशन कप खो खो में होता है, तो पुरुषों का फेडरेशन कप 1959-60 विजयवाड़ा, एंड महिला का फेडरेशन कप 1960-61 कोल्हापुर। ठीक है, प्रथम प्रतियोगिता भी विजयवाड़ा कोल्हापुर है, एंड फेडरेशन कप दोनों पुरुष महिला का विजयवाड़ा कोल्हापुर है। एंड प्रथम अर्जुन पुरस्कार खो खो में दिया गया सुधीर भास्कर राव परव को 1970 में, एंड दौड़ाचार पुरस्कार गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को 2000 में दिया गया। एंड अन्य पुरस्कार में कौन कौन से खो खो में महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि वीर अभिमन्यु पुरस्कार, ये 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए दिया जाता है, अंडर 18 के अंतर्गत आता है वीर अभिमन्यु पुरस्कार। एंड जानकी पुरस्कार 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार पुरुषों के लिए दिया जाता है। एंड रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं के लिए दिया जाता है। एंड 1914 ईस्वी में खो खो में खंभे के स्थान पर 2 खिलाड़ी खड़े किए जाते थे, जैसा कि 1914 ईस्वी
से ही आपकी जो खंभा होता है, पोल होता है, उसकी शुरुआत हुई। एंड उससे पहले जो है दो खिलाड़ी खड़े किए जाते थे पोल के स्थान पर। 1971 में NSNIS यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला में ओरिएंटेड कोर्स शुरू किया गया। कौन सा कोर्स शुरू किया गया? ओरिएंटेड कोर्स शुरू किया गया। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि ओरिएंटेड कोर्स NSNIS में पटियाला में कब शुरू किया गया? तो 1971 में। तो दोस्तों ये था खो खो के हिस्ट्री के बारे में वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।